गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए। नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य, ध्यान दीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उसमें कंजंक्शन टू का उपयोग करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में, कमांडेड में और प्रिटेंडेड में बदल देते हैं जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा देखिए, जैसे दिया है ही सेड टू मी, स्टैंड अप, वह मुझसे कहा खड़े हो जाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश का भाव है, ये वर्ब से ही शुरू होता है, इसमें आदेश दिया गया है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेंड या सेड टू को आर्डर में चेंज कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ही ऑर्डर्ड मी, कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, टू स्टैंड अप। तो ये ऑर्डर हो गया। उसी तरीके से हम रिक्वेस्टेड में भी बदल देते हैं, जैसे सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, जैसे सी सेड टू मी और उससे कहे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता कीजिए। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये सम्मान सूचक शब्द आते हैं तो हम इसे हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट वे, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन के रूप में टू का उपयोग करेंगे और प्लीज को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया गया और उसके बाद हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यहाँ पर रिप्लेस होता है, ये इसका आंसर है। उसी तरीके से नेक्स्ट, यदि सलाह के भाव प्रकट होती है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम एडवाइस में चेंज कर देते हैं, जैसे डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन डेली, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन डेली। इसमें डॉक्टर जो है कि पेशेंट को एडवाइस दे रहा है कि आप दवा रोज लीजिए, तो सलाह का भाव प्रकट होता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाएगा डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट कंजंक्शन रूप में टू का उपयोग करेंगे, टू फिर वैसे ही डाल देते हैं टू टेक मेडिसिन डे। डॉक्टर एडवाइस पेशेंट टू टेक मेडिसिन डे, सेंटर को एडवाइस को चेंज कर दिया गया और कंजंक्शन के रूप में टू का उपयोग किया गया।
और अगला सेंटेंस है मदर सेंट टू द बॉय डोंट प्ले इन द डस्ट। माँ ने लड़के से कहें डोंट प्ले इन द डस्ट, धूल में मत खेलो। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्रिएटिव सेंटेंस का। यदि ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम नाट का प्रयोग करने से दूर से पहले करते हैं, या फॉरवर्ड का प्रयोग कर देने से यदि सेक्टर को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तो फॉरवर्ड का मना करना होता है, तो जोन पे हमारा फॉरवर्ड पीछे हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हम कन्वेंशन टू से पहले नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है तो टू से पहले हम नाट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों तरीके से देखें, मदर फॉरवर्ड, मदर फॉरवर्ड द बॉय और टू, ये डोंट हमारा हट गया क्योंकि फॉरवर्ड का प्रयोग किया गया है, तो डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस को राइट करेंगे। टू प्ले इन द डस्ट, यदि फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, इसके अतिरिक्त कुछ भी करेंगे, हालांकि भाव आदेश का ही है, यदि ऑर्डर के रूप में लेंगे, यहाँ ऑर्डर दे देते हैं तो टू से पहले नाट का प्रयोग करते हैं। इसको आप करके देखिए, मदर ऑर्डर लिखवा, अब यहाँ पर नाट का प्रयोग टू से पहले करते हैं, वे डोंट को नाट को भी चेंज कर दिया गया और कंडेंसिंग रूट ऑफ तो पहले से है, तो नाट टू प्ले इन द डस्ट, दोनों अर्थ सेम होगा। माँ ने लड़के को फॉरवर्ड में मना की टू प्ले इन द डस्ट, धूल में खेलने के लिए माँ ने लड़के को धूल में खेलने के लिए मना की, और इसीलिए कि माँ लड़के को आर्डर के आदेश के नाट रूपे न खेलने के लिए इन द डस्ट धूल में, माँ ने लड़के को धूल में न खेलने के लिए आदेश दिए। इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं आर्डर में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में, फॉरवर्ड में और कमांडेड में भी चेंज करते हैं। उसे भी देख लीजिए, जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेक्सुअल सोल्जर, कप्तान ने सैनिकों से कहा अटैक आक्रमण करो, टू आर्स योर एनिमी, अपने शत्रु की तरफ आक्रमण करो। ये हाई लेवल का आवेश हो जाता है, आर्डर होता है, तो इसको आर्डर में ले सकते हैं, इसको कमांडेड बोलेंगे। जनरली जब फोर्स की बातें होती हैं, आर्मी की बातें होती हैं, उसमें जो आर्डर दिया जाता है उसे कमांडेड हम शो करते हैं, दिखाते हैं, किसी के स्टेटमेंट को हम यहाँ कमांडेड में चेंज करेंगे। द कैप्टन कमांडेड, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, कन्वेंशन के रूप में टू का प्रयोग कर देंगे और बाकी सेंटेंसेस को उसी तरह देते हैं। अटैक वाज़
योर सेकेंड पर्सन का है, सो यस चेंज होगा, और वचन में वन डियर हो जाएगा, डियर एनिमी, इस तरीके से हो गया। और एक कैंडिडेट भी चेंज करते हैं, जैसे दस लोग हो जाएगा, जैसे द टेररिस्ट, सेलिटूड, योगी, सेव योर लाइफ इन 2021। आतंकवादी ने योगी से कहा सेव योर लाइफ इन 2021, 2021 में अपने जीवन को बचा लीजिए। तो ये आतंकवादी धमकी दे रहा है योगी को, इसलिए हम इसे धमकी में चेंज कर देंगे, चेकेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसका आंसर द टेररिस्ट प्रिटेंडेड, ये प्रिटेंडेड पे चेंज किया गया, कन्वेंशन के रूप में 2 और सॉरी प्रिटेंडेड योगी, प्रिटेंडेड योगी कन्वेंशन के रूप में 2, फिर वर्ड को लिखेंगे से योर सेकेंड पर्सन योगी से चेंज हो जाएगा, तो हिंट इन लाइफ इन 2021। इस तरीके से लिखा गया प्रिटेंडर में, और कमांडर में, आर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्टेड में, आर्डर में, हमसे जैसे तो को भाव के अनुसार चेंज किए हैं। इस तरीके से क्रेडिट सेंटेंस के इंडायरेक्ट कनेक्शन बनाए जाते हैं। इसी भाव के आधार पर आप अन्य तमाम सेंटेंसेस के इंडायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं, और इसका स्क्रीन शॉट लास्ट में रिलीज होगा। और कोई भी समस्या होगी मेरे पर्सनल नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में है। थैंक यू वेरी मच।